जब आप 7 यूज कर रहे हो, प्यू कर रहे हो, 7 में सी के पार्टीशन को हटाओगे तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो पार्टीशन अभी एक्टिव है। ठीक है, तो आपके पास में एक बार पार्टीशन होगा जहां पे आपने विंडो 8 को इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो उस पार्टीशन का साइज देखो कितना है, आपको पता है आपने विंडो इंस्टॉल की है, आपको साइज पता होगा उसका। उस पार्टीशन को सिलेक्ट करो, पहले तो सिलेक्ट करो उस पार्टीशन को जिसमें 8 पीस, हां सी को छोड़ के बाकी 8 होगी, डी ड्राइव भी बन के आएगी जो आपकी। हां ये इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना तो उस पे कुछ लाइंस बन के आ जाएगी इस टाइप की। अब उस पे आप करोगे राइट क्लिक, भाई उनको बताने चक्कर में तू इस पे राइट क्लिक मत कर, देना तब करो उस पे। मैंने कहा वहां तूने कर दिया ठीक है, लेकिन अब मत आगे कुछ करना, वही चीज है अगर नहीं करता हूं ना, अगर ना मैं इसके बाद यहां पे आगे मत करना, मेरा पूरा डिटेल लग जाएगा। अच्छा तो मुझे पता है। ठीक है, राइट क्लिक करोगे आपके पास में डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा। अच्छा डिलीट वॉल्यूम नहीं करता, बता देते गलती से क्यों गया, मैं बता देता हूँ। कोई नहीं, डाटा देखो देखो सॉफ्टवेयर है तेरे को भाई, इतना नहीं होता है, उसे लिमिटेड होता है। ऑप्शन पूछेगा ना, यस या नो, मुझे पता है दोबारा से वो चीज नहीं करना चाहता। आपके पास में डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, आप उसमें जैसे क्लिक करोगे, नहीं आपको करना है सिर्फ उसको नहीं करना है, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, तो वहां पे आप यस कर दो। यस करना है, यस कर दोगे वो आपका पार्टीशन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ये तो कर ही सकता हूं ना, ये तो कर ही सकता हूं। कौन सा 350 एमबी का कुछ नहीं करना है तो आपको क्वेश्चन था मैं जिसमें फॉर्मेट पर भी है, क्या फॉर्मेट से आप उसको नहीं हटा सकते? सर फॉर्मेट से आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन जब विंडो ऑन करोगे ना, सिस्टम को ऑन करोगे तो आपके पास ऑप्शन दो ही आएंगे, विंडो 7 का भी आएगा ऑप्शन, 8 का भी आएगा, लेकिन जब आप 8 पे क्लिक करोगे तो विंडो लोड नहीं होगी, विंडो लोड नहीं होगी, इसलिए मैं आपको उस पार्टीशन को डिलीट करा रहा हूं। ठीक है, तो आपने डिलीट पार्टीशन को वॉल्यूम को डिलीट कर दिया, लेकिन वो अनअलोकेटेड दिखाएगा आपको, अलॉट नहीं किया आपने उसे किसी के लिए। आप क्या करोगे, उसी ड्राइव पे जाके आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद आप वहां पे आएगा ऑप्शन न्यू वॉल्यूम का, न्यू सिंपल वॉल्यूम, वहां पे अनअलोकेटेड शो नहीं करेगा सर, नहीं दिखेगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, उस पे आप क्लिक कीजिए, एक बॉक्स आएगा नेक्स्ट, वहां पे नेक्स्ट लिखा होगा उस पे क्लिक कीजिए, वहां पे भी साइज आपको डिफाइन करना होगा, आपको टोटल साइज करना है। ठीक है, तो वहां पे साइज में कुछ भी चेंज मत करो, साइज भी एमबी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। आप क्या करोगे, वहां पे सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आएगा फॉर्मेट करने का ऑप्शन, अगर आप फॉर्मेट करना है कर सकते हो वहां से, या फिर वहां पे कुछ भी मत कीजिए, वो अपने आप असाइन कर देगा। सॉरी, उससे पहले एक स्टेप आया है ड्राइव का नाम देने के लिए, ए बी सी डी, जो मैटर नहीं करता है वो, तो अभी फिलहाल अभी यहां पे तो यहां पे नेक्स्ट कर रहा हूं, उसके बाद आएगा। अच्छा ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूं इसलिए मुझे नहीं पता, मैं असाइन कर रहा हूं ड्राइव पर, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, डी ऑलरेडी असाइन है वहां पे, आप नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद में यहां पे जो न्यू वॉल्यूम नाम लिखा आ रहा है ना, नाम जो लिखा आ रहा है न्यू वॉल्यूम, उस पे वहां पे क्लिक कीजिए इस बॉक्स में, और उस नाम को हटाइए, न्यू वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उस नाम को वहां से हटा दीजिए, और वहां पे लिखिए लोकल का एल कैपिटल होना चाहिए, स्पेस डी डिस्क का डी कैपिटल होना चाहिए, लोकल में एल कैपिटल होना चाहिए, स्पेस डिस्क में डी कैपिटल होना चाहिए, लोकल सर पूरा कैपिटल नहीं, सिर्फ एल कैपिटल, लोकल डिस्क एल ओ सी ए एल L-O-C-A-L space disk, ये format होना चाहिए, local disk, किया local disk करने के बाद में आप next कर दो, ठीक है, और final step आएगा finish का, finish कर दीजिए,
अब उस बॉक्स को बंद कर दीजिए जो आपका एडिटिंग विंडो है, क्लोज कर दीजिए उसे क्लोज बटन से। डेस्कटॉप पे आ जाओगे आप, अब माई कंप्यूटर का या कंप्यूटर का जो आइकन है जो आपने डिस्क को फॉर्मेट किया था ना, उसका एक बॉक्स बन के आया होगा आपके सामने, आता है वो जब आप फॉर्मेट करोगे ना, पार्टीशन नहीं ना क्रिएट करोगे तो वो एक छोटा सा बॉक्स आता है, जैसे आप पेन ड्राइव को लगाते हो ओपन फोल्डर्स भी मैंने हां ओपन फोल्डर्स वगैरह जो ऑप्शन आता है वो नहीं, कोई नहीं डिस्क मैनेजमेंट नहीं नहीं आपने कर तो दिया दूसरा पार्ट ओपन मान कोई नहीं मैं जा सकता हूं सर। अब कंप्यूटर पे डबल क्लिक कीजिए, ड्राइव शो नहीं कर रहा है, ट्राई कह रहा हूं मैं दोबारा वहां से, वहां पे आपका जो पार्टीशन था वो आपको पार्टीशन वहां पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, आपके पास में सिर्फ 7 का ही लोड होगी, 8 लोड भी होगी वहां पे, आपकी विंडो 7 ही लोड होगी, अब 8 लोड होने का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। ये ना ये कंडेंस स्लो होते हैं, ये वाले सारे कितने क्या स्पीड में कम होती है, बहुत कम, जो दूसरी पेन ड्राइव होती है जैसे यहां पे स्पीड डील की है, स्पीड होता है अच्छा वीडियो चल रही है।